नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों हेमा मोहरवाल जी लिखती हैं, हेलो, मेरी 16 है और मेरे निकले हुए टीथ अभी तक आए नहीं है। हेमा जी, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, अगर आपके टीथ टूट जाते हैं तो उस जगह मसूड़े रहते हैं। भाई टीथ टूट गए तो मसूड़े तो बचेंगे बचेंगे, तो आप मसूड़े के उस एरिए की एक्सरसाइज करते रहिए। कुछ चीज़ जैसे कि कोई शॉर्ट फैन है उस एरिए को दबाते रहिए, मसूड़े पर लगातार प्रेशर देते रहिए और ये आदत में शुमार कर लीजिए। कुछ समय बाद दांत के उस एरिए से मैसेज जाएगा कि बाहर से प्रेशर आ रहा है। उस प्रेशर से लड़ने के लिए दांत की ग्रोथ में तुरंत बढ़ोतरी होगी, बढ़ता जाएगा। दांत की जड़ अगर आपकी छोटी है तो वो बड़ी हो जाएगी। दांत एक समय आएगा कि बाहर निकल कर आ जाएगा और आपका दांत नेचुरल दांत की तरह बन जाएगा, पर आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, दांत मसूड़ों की एक्सरसाइज करनी होगी। और आपको जैसे आपके दांत आ जाते हैं उसके बाद भी दांतों को मजबूत सुरक्षित रखने के लिए आपको हमारी बताई वीडियो के अनुसार जैसे गन्ना चूसना, अमरूद खाना, जो कठोर चीज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह की एक्सरसाइज करते रहना है और देखने ना आपके दांत भी मजबूत, मसूड़े भी मजबूत। हमारे दांत और मसूड़े कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें खाते हैं, जिसके कारण शरीर को मैसेज जाता ही नहीं कि भाई इस जगह को ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की आवश्यकता है, यहाँ पर ज्यादा रिपेयर की आवश्यकता है, या इस एरियो को ज्यादा कठोर होना चाहिए, इस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब आप सॉफ्ट सॉफ्ट खाते रहेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों कुछ लोग गन्ना चूसते हैं, अगर गन्ने में आप बांस गन्ना जो कि बहुत हार्ड होता है वो चूस लें तो आप देखना दांतों की कितनी जबरदस्त एक्सरसाइज होगी। पर आप डायरेक्ट बांस गन्ना चूसने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत हार्ड होता है, मसूड़ा दर्द करने लगेगा, जबड़ा आपका जवाब दे देगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा जबड़े में। तो पहले तो आप गन्ना नॉर्मली चूसने की कोशिश कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको समय लगे तो बांस गन्ना चूसना। आपके मसूड़ों की और आपके दांतों की, आपके जबड़े की यह ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके जो मसूड़े मतलब दांत नहीं निकल रहे वो दांत तेजी से निकलेंगे, दांतों के जो बनावट है वो स्ट्रोंग होगी, मसूड़ों की बनावट, मसूड़ों की ग्रिप दांतों पर। भाई मसूड़े ग्रिप तभी बनाते हैं जब उन्हें मैसेज जाता है कि इस दांत को ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, यार ये तब मैसेज जाता है, तब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ेगा तो शरीर के बाकी अंग भी एक्टिव हो जाते हैं, मसूड़े हैं वो दांत को पकड़ेंगे, भाई पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से जोर आ रहा है। अगर वो नीचे से जोर आ रहा तो दांत की जड़ें भी मजबूत होंगी और दांत का जो बॉडी है वो भी स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये क्रिया के बाद प्रतिक्रिया ये सामान्य सी प्रक्रिया है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, पर मुँह मसूड़ों की और दांतों की एक्सरसाइज करती रहें। तो हेमा कुमार जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।